नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कनिका। चलिए शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर के साथ। मृणगरी हरिद्वार में देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं। ऐसे में शहर के विकास और शहर को सुंदर व्यवस्थित बनाने को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में आज एक बैठक ली गई। बैठक में शहर भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, एनजीओ, साधु संतों, व्यापारियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने का सुझाव आमंत्रित किया गया। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा हरिद्वार विकास परिषद का गठन किया जा रहा है। इसमें शहर के हर वर्ग के चुनिंदा लोगों को रखा जाएगा, जो लोग शहर के विकास के साथ साथ शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए अपने सुझाव देंगे। जो कार्य कराए जाएंगे उन पर निगरानी भी रखेंगे। टेम्पो टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाए 25 से 30 मेंबर की, और जिले के बारे में उनके अच्छे अच्छे सुझाव लिए जाएं और इसको समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। इसका लाभ देखिए ये होगा कि अगर सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होगा और हम लोग कोई निर्णय लेंगे तो उसको लागू करना बहुत आसान होगा। और किस तबके की, किस वर्ग की क्या समस्या है, उस वर्ग का व्यक्ति ही ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल पर काउंसिल गठन करने का निर्णय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।